जब ये ब्लॉक नीचे
जाएगा, ये सरफेस जब नीचे जाएगा, ये सरफेस पर ब्लॉक ए के ऊपर ध्यान दो, ये ब्लॉक जब नीचे जाएगा तो ब्लॉक ए पे भी ये सरफेस है, यानी ये सरफेस दिख रहा ब्लॉक ए का, इसका फ्रिक्शनल फोर्स कहां रहेगा? अपर, अपर, क्योंकि ये ब्लॉक का सरफेस कैसे जा रहा नीचे, तो यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स आएगा या नहीं? कैसे आएगा फ्रिक्शनल फोर्स? अपवर्ड। अब सपोज करो ये सर, ये ब्लॉक का नाम क्या है? ए ना, ब्लॉक का नाम क्या है? ए। सपोज करो मैं सरफेस को नाम देता हूं वन, क्या नाम देता हूं सरफेस को? ये सरफेस को मैं नाम दे रहा हूं ना, किसी को भी ये सरफेस को नाम दे रहा हूं वन। अगर इससे बेटर है ये यहां पे नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा या नहीं? ये दोनों कांटेक्ट में है ना, तो ए पर नॉर्मल रिएक्शन इनवर्ट रहेगा या नहीं? तो ये जो ए ब्लॉक है इसके नॉर्मल रिएक्शन आएगा या नहीं? सपोज करो यहां पे नॉर्मल रिएक्शन है n1, क्या है n1, तो जब नॉर्मल रिएक्शन है तो फ्रिक्शनल अभी आपने बताया कैसे रहेगा अपवर्ड, तो ये फ्रिक्शनल क्या हो जाएगा f1, और इसका फार्मूला क्या रहेगा n के टर्म में? म्यू n1, ये सब लो, तो ये दोनों एक ही चीज हो गई या नहीं? आई होप यू आर गेटिंग। और ये एंगल पे रहेगा क्या? नहीं, क्योंकि ये सरफेस कैसा है? सरफेस कैसा है? वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, नो एंगल रिक्वायर्ड, आसान चीज है, एंगल की जरूरत नहीं है, आसानी से तुमको समझ गया, इस पे ये अपवर्ड रहेगा, इस पे ये इनवर्ड रहेगा। इंपॉर्टेंट चीज ये है, सबसे पहले जो मोशन हो रहा सबसे पहले उसके एफडी बनाने का, किसी और का नहीं बनाने का, आपको देख के समझना है इसके वजह से मोशन स्टार्ट होगा, तो सबसे पहले किसका एफडी बनाने का, हमने पी बनाया, एम1 बनाया, एफ1 बनाया। अब ये भी सरफेस है या नहीं? है ये सरफेस। जब p के वजह से ये नीचे जाएगा तो यहां पे भी फ्रिक्शनल फोर्स कैसे रहेगा? ऊपर, अपवर्ड, तो यहां पे भी फ्रिक्शनल फोर्स कैसे आएगा? अपवर्ड आएगा या नहीं? आएगा अपवर्ड। ये क्या रहेगा? सपोज करो फ्रिक्शनल फोर्स f2। अब यहां पे भी नॉर्मल आएगा या नहीं? इसका नॉर्मल ये सरफेस को परपेंडिकुलर, तो ये नॉर्मल कैसा रहेगा? इंपॉर्टेंट थिंग, ये नॉर्मल कैसा रहेगा? इनक्लाइन, कैसा रहेगा ये नॉर्मल? इनक्लाइन। ये n1 है तो ये नाम दे दिया मैंने n2, एग्रीड? ये n1 दे दिया, इसको नाम क्या दे दिया? n2, तो f2 की वैल्यू क्या रहेगी? म्यू टू n2। देखो दोनों सेम हो गए कि नहीं? यस और नो? कंफर्म। देखो क्या क्या मिला तुम्हें, n1 म्यू n1, और क्या मिला n2 म्यू n2। कभी कभी म्यू सरफेसेस के अलग रहते हैं, तो यहाँ पे म्यू n1 म्यू टू n2 भी लिख सकते हो, वो जैसा दिया है। अब नीचे है क्या कुछ सरफेस? हमें मिल रही है, तो नीचे रिएक्शन आएगा या नहीं? नहीं आएगा। तो ये बन गया एफबीडी, किसका एफबीडी बना? ये वेज ए का कंफर्म। अब तुम कहां पर जाओगे? बी की तरफ। तुम कहीं भी जा सकते, पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम एफबीडी बनाते हैं बी का, ध्यान देना, बी का एफबीडी बनाते हैं। ये है बी, आया ना कंफर्म? यहां पे रिएक्शन आएगा या नहीं? ऐसे रिएक्शन आएगा, ये हिलने वाला है क्या अपनी जगह से? कुछ भी कर दो ये हिलेगा नहीं, कंफर्म ना? तो यहाँ पे नॉर्मल फ्रिक्शनल फोर्स की जरूरत ही नहीं है, ये थोड़ी ना जमीन में ढह जाएगा ना, ये उठ जाएगा, ये तो ऐसी जगह पे रहेगा ना, तो इसको कुछ होने नहीं वाला, सिर्फ यहाँ पे क्या मिलेगा? नॉर्मल। वैसे ये रेस्ट कर रहा है, यहाँ पे भी क्या मिलेगा? नॉर्मल। ये सरफेस पे आएगा कि नहीं फ्रिक्शन? अब देखो ए नीचे जा रहा था तो ए पे फ्रिक्शनल फोर्स कैसे था? अपवर्ड। तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स था ना, ये फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे आ जाएगा डाउनवर्ड। समझ रहा क्या कह रहा हूँ? ये जो F2 है यहाँ पर क्या आएगा या नहीं? ये F2, यही F2 यहाँ पर आएगा या नहीं? क्योंकि इसीलिए मैंने बोला था सबसे पहले उसका मोशन एनालाइज करो जो दिया हो, तो A दिया है ना सबसे पहले मोशन, तो ये अपवर्ड रहेगा तो ये डाउनवर्ड। अगर आपने यहाँ अपवर्ड दिखा दिया तो आप गलत कर रहे हो, क्योंकि पहले कौन मोशन कर रहा? A। तो फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन पहले A पर बना, जब वो बन जाए तो उसका अपोजिट यहाँ पर रहेगा, ये इंपॉर्टेंट। अगर आप बी पे ऊपर ले लो और बोले इसके नीचे दोनों कैंसिल हो जाता, तो आपके पूरा जब समेशन करोगे ना तो आंसर गलत हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या कह रहा हूं? क्योंकि आप डायरेक्शन तो गलत ले रहे हो, मिला के सही ले रहे हो, पर फोर्सेस ब्लॉक्स पे डायरेक्शन आप गलत ले रहे हो वेजेस पे। तो ये कैसे रहेगा? F2 कैसे रहेगा इसमें? डाउनवर्ड। कंफर्म। अब देखो इसमें लिखा या नहीं F2, यही F2 इस पे भी हो जाएगा या नहीं? आ जाएगा ना इस पर ही। अब ध्यान दो इसके एंगल से लिया नहीं तुम्हें, इसका भी एंगल देखो, सब एंगल पर है ये चारों, ठीक है? अब देखो एंगल कैसे निकालती है, एंगल कितना है? 6 डिग्री। एंगल का ये एंगल 6 है, देखो मतलब ये एंगल कितना है आपका? 6। अब ध्यान दो मैं क्या करता ना, ये देखो अच्छे से देखो, ये दिख रहा है यहां से ऐसे बना दिया मैंने, ये एंगल कितना है?
6 टोटल कितना रहेगा 90 तो ये 84 हुआ है नहीं ये 90 हुआ है नहीं तो ये कितना हो गया हां 6 कंफर्म ये कितना हुआ 6 तो ये एंगल किसके साथ बन रहा है y के साथ x के साथ x के साथ तो जब इसका एंगल x के साथ कितना बन रहा 6 डिग्री तो ये f2 के लिए रिजॉल्यूशन हो गया या नहीं n2 का रिजॉल्यूशन x के साथ कितना हुआ 6 डिग्री तो जब n2 का 6 होगा तो f2 का एंगल डायरेक्ट y के साथ 6 ले लेंगे डायरेक्ट कैसे देखो ये कितना है 6 ये कितना रहेगा 6 सिंपल सी चीज क्या है याद ऐसे रखने का कि एक एंगल फाइंड करने का एक बार मेहनत कर देगा n2 का एंगल x के साथ निकाला 6 तो f2 के साथ ऑटोमेटिकली y निकाल देने का समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं ये 6 निकाला तो इसको यहां पे 6 डाल देने का अब देखो ये FD बनाया था ये मैं रब कर देता हूं ध्यान दे इसमें आपको ये देखो ये FD था ना ये हमारा क्या था ये n2 इस पे भी एंगल आएगा n2 का एंगल पहले वाले में किसके साथ मिला था x के और y के साथ x के साथ 6 तो इस पे भी x के साथ 6 कुछ मेहनत नहीं करने का उसमें x के साथ क्या था 6 तो यहां पर x के साथ क्या रहेगा 6 और यहां पर y के साथ क्या रहेगा 6 सिंपल एक मेहनत किया पूरा काम समझ रहा है हां सर एक एंगल फाइंड किया तो आपको n2 के साथ अगर एंगल x के साथ मिला तो f2 के साथ किसमें डाल देना y के साथ फिर वही चीज इस पे रिपीट कर देना अब एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें कितने अननोन है ये ब्लॉक पे देखो एक भी अननोन है एक और अननोन क्या है n2 और एक और अननोन क्या है n1 तो तीन अननोन है या नहीं और इक्वेशन कितनी होगी दो वेजेस पे दो इक्वेशन होती कितनी होती दो तो आप पहले ये ब्लॉक सॉल्व नहीं कर सकते आप पहले ये ब्लॉक सॉल्व नहीं कर सकते अब ये ब्लॉक सॉल्व करने का फायदा है क्या कुछ नहीं है क्यों पता है क्योंकि आपको तीन अननोन है यानी यहां पर तीन अननोन है यहां पर एक अननोन दो अननोन तीसरा अननोन भी है यानी यहां पर तीन है ना तो यहां पे भी तीन अननोन हो गए यानी तो आप आगे बढ़ नहीं सकते यहां भी तीन यहां भी तीन कंफर्म तो कहां जाना पड़ेगा आपको ब्लॉक पर अब ब्लॉक का वेट दिया है वेजेस के बारे में एक और काम बताने की वेजेस का जो वेट रहता है ना वो नेग्लिजिबल रहता है कितना रहता है नेग्लिजिबल क्यों बताया था ये कैसा रहता है खाली ब्लॉक्स रहते हैं तो इसका जो वेट रहता है कंपेयर टू ब्लॉक नेग्लिजिबल रहता है तो इसके वेट्स अगर दिए हैं तो लेना नहीं दिए तो भूल जाना तो इसलिए मैंने वर्टिकल फोर्सेस नहीं दिखाए ये क्यों नहीं सॉल्व करा क्योंकि ये दोनों में कितने अननोन है तीन अननोन तो अब मैं यहां जाऊं सबसे पहले वेट कितना है 1000 वेट कितना है 1000 अब देखो यहां पे कुछ नॉर्मल रिएक्शन आएगा क्या नहीं यहां पर आएगा या नहीं तो n1 यूज कर चुका है n2 यूज कर चुका है इसको क्या नाम दे दूंगा m3 ठीक है अब ध्यान दे दे ये सरफेस याद है कैसा था फ्रिक्शनल फोर्स कैसा था अपवर्ड और इस पे फ्रिक्शनल फोर्स कैसा रहेगा डाउनवर्ड यहां क्या नाम था f1 तो यहां भी क्या नाम रहेगा f1 इसमें कैसा था इनवर्ड तो इसमें भी कैसा रहेगा इनवर्ड इसका नाम क्या था n1 तो यहां पर क्या रहेगा n1 देखो अनोन कितना है n1 f1 n3 f1 इज इक्वल टू व्हाट μ1 n1 अब देखो अनोन कितने हैं दो ये n3 अनोन है और क्या अनोन है n1 तो ये सॉल्व कर लोगे जैसे ही ये सॉल्व होगा वैल्यू कहां डालोगे n1 की सेकंड ब्लॉक पे हां या ना हां सर तो जैसे सेकंड ब्लॉक पे डालोगे ये सब मिल जाएगा या नहीं देखो यहां से तुमको क्या मिलेगा n3 और क्या मिलेगा n1 जी कहां पे डाला ना यहां इसमें क्यों आएगी बेटा फ्रिक्शन फोर्स n3 तो यहां थी ना हां सो सॉरी ये राइट में जाएगा तो फ्रिक्शन फोर्स कैसे रहेगी n3 की लेफ्ट में और क्या रहेगा वो μn3 क्या रहेगा μn3 मतलब वही है उसका n3 और μn3 मिला के एक ही बनेगा ना दोनों एक ही है n3 और μn3 मतलब एक ही अननोन है n1 और μn1 का मतलब क्या था एक ही अननोन है तो दो अननोन है एक है n1 और एक क्या है f1 यहां से सॉल्व हो जाएगा जैसे सॉल्व हो जाएगा n1 नोन हो जाएगा या नहीं तो कितने अननोन बचेंगे दो कितने अननोन रहेंगे दो आपको फाइंड क्या करना था p समझा क्वेश्चन समझा एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है आंसर प्री अज्यूम मत करो कि हमेशा x के साथ वेज का एंगल बनेगा किस जिसके भी साथ वेज का एंगल बनेगा वो एंगल दूसरे पे ट्रांसफर कर देगा किसके रिस्पेक्ट में y के रिस्पेक्ट ठीक है अब ये क्वेश्चन देखो यहां देखो
find P to hold the lower block in equilibrium. This is P. ये क्वेश्चन डिसेंबर 12 में पूछा है. क्या क्वेश्चन है? P कितना रहेगा ताकि ये इक्विलिब्रियम में रहे. देखो, find P to hold the lower block. कौन होल्ड करने वाला है, अपर या लोअर? लोअर. लोअर. लोअर कितना है? 1000 किलो का. तो ये वेज नहीं है. ये वेज की तरह है पर ये वेज नहीं है. समझ रहा ना? समझ रहा अच्छे से? और इसका एंगल कितना है? 60. 60. अब देखो, ये होल्ड करेगा. कितना पी अप्लाई करूं कि ये 1000 जो है 500 को होल्ड करे? समझ रहा? मैं कितना फोर्स अप्लाई करूं ताकि ये नीचे ना जाए, ये पोजीशन में रहे. समझ रहा है? तो आपको क्या फाइंड करना? पी फाइंड करना. उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा बोलो? एफबीडी. फटफट एफबीडी सीखते कोई भी बुक से या मेरी नोट से आप पढ़ सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा पूरे क्वेश्चन सॉल्व. ठीक है, आप ध्यान दे. दो ब्लॉक है. सबसे पहले आप कौन सा ब्लॉक बनाते हैं? ए पहले बनाएंगे या बी? बताओ. पहले बी बनाएंगे. क्यों? होल्ड करने का काम कौन कर रहा? बी. अगर ये होल्ड नहीं कर पाएगा तो ए कहां जाएगा? नीचे. और बी कहां जाएगा? राइट में. तो होल्ड कौन कर रहा? बी. एक और क्वेश्चन देखते हैं. अभी तुमको सब देगा. फाइंड पी टू रेज अ हैवी स्टोन. ये क्वेश्चन है. कितना पी रहना चाहिए ताकि मैं स्टोन को उठा सकूं? कौन सा स्टोन है? ए स्टोन है. तो पी कितना रहना चाहिए ताकि मैं स्टोन उठा सकूं? पहला क्वेश्चन किसका है? पहला मोशन पी है. अब बताओ इसके पहला मोशन किसका? होल्ड कर रहा ना. पी मोशन नहीं कर रहा, पी होल्ड कर रहा. जब पी होल्ड नहीं कर पाएगा तो ए नीचे जाएगा या नहीं? तो पहले ए मोशन करेगा. इनिशियली ये होल्ड कर रहा है या नहीं? होल्ड कर रहा है. तो नीचे कौन जाएगा? इक्विलिब्रियम कब डिस्टर्ब होगा? जब ए नीचे जाएगा. क्योंकि ये रेस तो नहीं कर रहा ना, ये क्या कर रहा? होल्ड. तो पहले मोशन किसका होगा? ए का. ए का मोशन पहले होगा ना, क्योंकि पी क्या कर रहा? होल्ड. तो होल्ड अगर पी कर रहा तो ये नीचे तो नहीं जाएगा. तो जब ये नीचे जाएगा तभी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा कि नहीं? तो इक्विलिब्रियम कौन डिस्टर्ब कर रहा, वो इंपॉर्टेंट है. ए कर रहा है, पहले क्या करोगे? ए का एक्टिविटी बनाओगे. देखो वेट कितना है ए का? 500. ए का वेट कितना है? 500. अब ध्यान दो, ए नीचे जाएगा या नहीं? यहां पे नॉर्मल रिएक्शन आएगा कि नहीं? क्या रहेगा? N1. कंफर्म ना? N1. अब जब ये नीचे जाएगा तो ये फ्रिक्शन फोर्स कैसा रहेगा सरफेस पे? ऊपर. क्या रहेगा? म्यू N1. यहां पर आएगा फ्रिक्शन फोर्स, कुछ नॉर्मल रिएक्शन नहीं. यहां पर आएगा या नहीं? कैसे रहेगा? फ्रिक्शन फोर्स अपवर्ड. क्योंकि ए कैसा मोशन करेगा? डाउनवर्ड. ए मोशन इनिशिएट करेगा तो ये आ जाएगा म्यू N2. क्या रहेगा? म्यू N2. और यहां पे नॉर्मल रिएक्शन कैसा रहेगा? N2. कंफर्म? अब फिर से देखो एंगल कितना है? 60. जब ये एंगल 60 है तो हम बता सकते हैं ये वाला एंगल कितना रहेगा? मिला के कितना होना चाहिए? परफेक्ट. ये मिला के कितना होना चाहिए? 90. तो ये एंगल 30 रहेगा या नहीं? सिंपल, ये एंगल कितना है? 30. अब देखो यहां से मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, ये एंगल भी 60 है ना, इसका मतलब कंफर्म. तो ये एंगल कितना हुआ? 30. तो N2 x के साथ 30 बना रहा, तो μ N2 किसके साथ बनेगा? x या y? N2 किसके साथ एंगल बना रहा? x के साथ. तो μ N2 किसके साथ बनेगा? y के साथ. कंफर्म हो जाएगा सवाल. अब देखो कितने अननोन है, N1 N2 दो ही अननोन है, तो ये फट से सॉल्व हो जाएगा. देखो N2 अननोन है और क्या अननोन है? N1. तो पहले यही सॉल्व करता था. कंफर्म. अब इसको कहां लेके जाएंगे? कौन सा ब्लॉक है? ब्लॉक कौन सा है? पी. अब देखो इस पे का नोट क्या है? पी. यहां पे का नोट मिलेगा या नहीं? क्या देंगे इसको नाम? कुछ भी नाम दे दो. मैंने नाम क्या दे दिया? N3. अब देखो इसमें अपवर्ड था तो यहां कैसे रहेगा? डाउनवर्ड. यहां पे अपवर्ड है तो यहां कैसे रहेगा? डाउनवर्ड. किसके साथ एंगल था? y के साथ. तो यहां भी एंगल किसके साथ आएगा? y के साथ. ये इनवर्ड था तो यहां भी कैसा रहेगा? N2. इनवर्ड किसके साथ था? x के साथ. यहां भी किसके साथ रहेगा? x के साथ. देखो n1 पर n2 पता चल जाएगा. n3 और p अननोन है, दो अननोन, दो इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा. ये भी सॉल्व कर सकते हैं. कंफर्म. वैसे ही सिमिलर क्या बोला है? फाइंड p टू रेज. अब रेज करें तो पहले क्वेश्चन किसका होगा? वेट 1000 डालो ना. क्या प्रॉब्लम है? आएगा ना 1000? ये वेज नहीं है, ये दोनों ब्लॉक है.
एक लिफ्टर लिफ्टिंग कर रहा, स्टॉप करने की कोशिश कर रहा, 1500 को स्टॉप करने की कोशिश कर रहा, तो 500 जब नीचे जाएगा तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, जब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है तभी मोशन इनिशिएट होता है। अब यहां पे टी क्या कर रहा है, ये वेज है, वेट नहीं दिया तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वेज। ये क्या कर रहा है, कोशिश ए को लिफ्ट करने की, तो पहला मोशन किसका होगा, ए का, पहला मोशन टी का होगा, वेज का होगा, पी का नहीं, वेज, ये ए लिफ्ट करना है, ए को होल्ड, पी होल्ड नहीं कर रहा, देखो फाइन टी टू रेज, तो फर्स्ट मोशन विल बी ऑफ दिस वेज व्हिच इज हैविंग अ फोर्स ऑफ पी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू रेज द ब्लॉक और स्टोन ए। सेम तरीके से करोगे, जो भी एंगल दिया कर सकते हो, समझ गया ना, एंगल का जो भी एंगल बनेगा एक्स के साथ दूसरे वाले इक्वेशन में क्या करोगे, वाई के साथ एंगल बना दो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, फाइंड पी टू मूव ब्लॉक ए, किसको मूव करना है, ए, ये दीवार है ना, ये भी दीवार है, ऐसे पी को क्या करना है, कितना पी ताकि ए क्या हो, मूव हो, लिफ्ट करना है या होल्ड करना है, लिफ्ट करना ना, तो पहला क्वेश्चन किसका होगा, बी का, बी का। इंपॉर्टेंट थिंग है ये वाला एंगल देखो, ये एंगल कितना है, 15, चलो इसका एफबीडी बनाते हैं, ध्यान दे, ऐसे लेना है, पहले किसका मोशन होगा, बी का, अब देखो पी आएगा या नहीं, अब नेक्स्ट यहां पर ध्यान देना, ये इधर जाएगा, हाँ या ना, तो जब ये इधर जाएगा तो ये फ्रिक्शनल फोर्स किधर आएगा, ये डायरेक्शन में, कंफर्म, और नॉर्मल रिएक्शन कैसा रहेगा, ऐसे रहेगा या नहीं, तो ये क्या हो गया N1, ये क्या हो गया U1, इस पर एंगल की जरूरत है नहीं। यहां पर देखो अच्छे से देखना, ये नीचे जा रहा है नहीं, देखो ये जब आगे जा रहा है तो ये नीचे जा रहा है नहीं, तो फ्रिक्शनल फोर्स कैसा रहेगा, अपवर्ड, इसमें अपवर्ड समझना जरूरी है, नीचे की तरफ जा रहा है नहीं, इसका मोशन होगा ना, तो ये आगे जा रहा है मतलब नीचे जा रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स कैसा रहेगा, अपवर्ड, और इसका नॉर्मल कैसा रहेगा, ऐसे रहेगा या नहीं, कंफर्म। अब देखो प्लीज देखो, यहां इसको N1 नाम दे दिया, तो इसको क्या नाम दूंगा, N2, तो ये μN2 हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, N2 अब एंगल, ये एंगल कितना था, 15, तो ये एंगल कितना है, 15, तो ये एंगल कितना है, 15, तो ये एंगल 15 है, तो ये वाला कितना है, 15, बस cos sin पे ध्यान देना, इस पे ध्यान देना, cos और sin पे, ये 15 है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 15, सिंपल। अब ये एंगल यहां ट्रांसफर होगा या नहीं, ये वाले सरफेस पे दिख रहा है, ये सरफेस पे ये वाला एंगल ट्रांसफर होगा, बट ध्यान देना यहां पर भी एक एंगल आएगा, आएगा या नहीं, ये किधर जाएगा, ऊपर की तरफ, तो जब ऊपर की तरफ जाएगा तो फ्रिक्शनल फोर्स कैसे आएगा, यहां पर डाउनवर्ड, कंफर्म, और ये कैसा रहेगा, इनवर्ड। अब ये एंगल 60 है, तो ये कितना रहेगा, 30, कितना रहेगा, 30, तो यहां पे x के साथ 30 बन रहा है, तो यहां पर y के साथ 30 बनेगा, बस इतना याद रखना, ये एंगल थोड़े अलग है, यहां पे 15 वाला एंगल चल रहा है, यहां पे 60 वाला, क्यों वाला चल रहा है, क्योंकि यहां पे दोनों एंगल अलग है, बट वही सेम तरीके से, यहां पे x के साथ है, तो यहां y के साथ, यहां पे जो एंगल आएगा वही एंगल यहां शिफ्ट हो जाएगा, सेम तरीके से N1 पे ये एंगल N1 के साथ जाता है, और μN1 पे एंगल कहां जाता है, μN1 के साथ, इसमें कुछ ज्यादा चेंज नहीं होगा, डन, वेजेस कर लोगे, मतलब समझा, सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंट है, एंगल को कंसीडर करो और कंप्लीट।